एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कुछ व्यवहार कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कई बड़े नेता का नाम आपने लिया है, नहीं ये सब गलत बात है। हमारे बिहार के नेता दोषी हैं, बिहार के बर्बादी के। मुझे बिहार पुलिस पे, तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा है, बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया है। जी आपको बता दें कि जब पुलिस उनको लेके जा रही थी, इस दौरान मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इसी दरमियान मनीष कश्यप ने कई सारी बातें खुलकर सबके सामने रखी। मनीष कश्यप ने साफ तौर से कहा कि बिहार को बचाने की जिम्मेवारी आप लोग की है, आप लोग बिहार के लिए लड़िए। वहीं जब मीडिया वालों ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आपने फेक वीडियो बनाया था, तो इस पर सीधे सीधे मनीष कश्यप ने कहा कि नहीं, कोई फेक वीडियो नहीं था। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो वहां पे है। बिहारी मजदूरों की लड़ाई आप लोग को लड़नी है। बिहार के मजदूरों के साथ बाहर दुर्व्यवहार किया जाता है, दूसरे जगहों पर उनकी पिटाई होती है, इस सब की लड़ाई आपको लड़नी है। वही उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिहारी नेताओं पर भरोसा नहीं है। बिहार को बर्बाद करने में बिहार के नेता ही सबसे बड़े जिम्मेवार हैं, इसलिए आप लोग भी इस लड़ाई को लड़िए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु पुलिस ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है, कोई हिंसा नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु पुलिस हो या बिहार पुलिस, उन्होंने उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं किया है, सारे लोगों ने अच्छे से व्यवहार किया है। इसके आगे जब उनसे पूछा गया कि आपने कुछ नेताओं के नाम का भी खुलासा किया है, इस पर उन्होंने साफ तौर से मना किया है कि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, और इस बदलाव में आप लोगों को भी अपना योगदान देना होगा, आप लोगों को काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की दुर्गति के लिए बिहार के नेताओं को जिम्मेवार बताया है। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप। मनीष जी थोड़ी थोड़ी भरोसा हो गई, बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कुछ व्यवहार कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। ट्रांजिट रिमांड देना कितना सही था? ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कई बड़े नेता का नाम आपने लिया है, नहीं ये सब गलत बात है। पीछे हो जाइए। हम लोग बिहार के मजदूरों के लिए सबको जीतना है किसी भी हाल में, तब हमारा बिहार बदलेगा, वरना दूसरे राज्यों में हम जाके धक्के खाते रहेंगे। हमारे बिहार के नेता दोषी हैं, बिहार के बर्बादी के। आपने आरोप लगाया है, बिहार के कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे बिहार पुलिस पे, तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा है, बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है, बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो YouTube पे है, जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों पर दिक्कत होता है, और ये सच्चाई आपको। क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? इधर पीछे हो ना, तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए।